हिमाचल प्रदेश के हाटकोटी में माँ हाटेश्वर देवी की मंदिर की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज हिमाचल प्रदेश के हाटकोटी में है। जहाँ तक मैं इस मंदिर की बात करूँ, छठी शताब्दी के लगभग का ये जो मंदिर है, यदि मैं एक दंत कथा की बात करूँ तो महिषासुर मर्दिनी के रूप में इस मंदिर के अंदर एक माँ की मूर्ति और साथ ही साथ शिवलिंग आकार का प्राचीन शिव मंदिर यानी शिवालय भी यहाँ पर मौजूद है। और बताया जाता है इस मंदिर के बारे में बहुत ही खूबसूरत दृश्य, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ी और चोटी, सेब, बब्बू गोसा, तमाम बगीचों के बीचों बीच में बने इस मंदिर के आकार और डिजाइन की यदि बात करूँ तो पत्थरों से अनेक इस तरीके से छोटी छोटी गुफाएँ को नक्काशी के द्वारा तैयार किया गया। और ऐसे बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था उस काल में, यानी उस युग में। और शायद यदि मैं वर्तमान की बात करूं, मंदिर को कहीं ना कहीं वर्तमान स्वरूप भी देने का प्रयास किया गया है जो मुझे नज़र आ रहा पत्थरों का बनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी पत्थरों से बने आदिकाल के वो शिलाएं नज़र आती हैं जो बनाए गए नक्काशी इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात इस मंदिर के बारे में ऐसे बताया जाता है, हालांकि मंदिर महिषासुर मर्दिनी के है, हाटेश्वरी यानी हाटकोटी में है, इसलिए इसका नाम हाटेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है देवी। दाईं तरफ जो ये पर्वत नज़र आ रहा, इस पर्वत को भीम और ये जो पर्वत यहाँ पर नज़र आ रहा है, चोटी भीम किल्टा नाम से जाना जाता है, यानी भीम पर्वत कह सकते हैं इसको। और ऐसे बताया जाता है इसके अंदर अभी भी पुराने ज़माने की मिट्टी के बने हुए बर्तन अभी भी शायद जब कभी खुदाई की जाए तो शायद इसमें निकलते हैं, ऐसे बताया जाता है। सबसे बड़ी बात, इस मंदिर के पास जो ये तांबे का ये लोटा है, इसकी कहानी की यदि बात करूँ तो इसको भीम लोटा कहा जाता है। और किसी ज़माने ये मुश्किल से 40 मीटर की दूरी पर पब्बर नदी है, जब कभी बाढ़ के रूप में नदी आई थी तो बताया जा रहा वहाँ पर दो इस तरीके से लोटे थे, एक लोटा बह गया था। और अभी भी जब कभी ऐसी दृश्य सामने आता है, जब कभी अक्सर यहाँ पर वर्षा होती हैं और बारिश के चलते बाढ़ और कभी कभी नदी अपने विकराल रूप में आती है, तो ये लोटा आज भी मानो जाने का प्रयास करता है, इस तरीके से बताया जा रहा। जब मैं पुरोहित मंडली से बात कर रहा था, ये यहाँ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्ता में भी कहा जा सकता है, ये इस मंदिर की कहानी इससे जुड़ी हुई है, इस भीम लोटा से। एक और लोटा बताया जाता है जो कि कभी जब बाढ़ आई थी तो बह गया था, ये भीम का लोटा कहा जाता है इसको। देखिए आज हाटेश्वर देवी पर मेरी सीधी ग्राउंड जीरो की कवरेज।